हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड हियर वी आर विद द वॉल्यूम 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ये जिस्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, और जैसे मैंने कहा चैप्टर वाइज भी हम अभी जल्दी लेकर आएंगे, जहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस होगा फॉर योर मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इसको इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट को इग्नोर करें, ये आपको प्री में रिवाइज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अभी जो आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और आपको क्विक लिंक्स मिलेंगी इसमें, आपको मतलब बहुत ईजिली आप रिटेन कर पाओगे इस जिस्ट के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। ये वॉल्यूम 2 है, और मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम 2 में हम देखते हैं कि जो पास्ट ईयर रहा है उसमें इन ऑल हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डायमेंशंस में कैसा रहा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है इसका वो है इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2019-20। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग बट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है इसमें से भी जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कई बार। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थी वो फर्स्ट हाफ ऑफ 1920 में कम हो गई थी, 4.8% हो गई थी, बिकॉज ऑफ वीक एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड डिमांड। तो ये ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ग्लोबल ट्रेड और डिमांड, तो उसका असर पड़ा था फर्स्ट हाफ ऑफ 1920 में, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ थी वो 4.8% आ गई। अब इसमें केवल फर्स्ट हाफ की बात क्यों की गई है मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा इसमें कहा है कि जो फर्स्ट हाफ था वही, उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में ग्रोथ काफ़ी हाई थी उसके पहले के हाफ से कंपैरिजन में, यानी 18-19 का जो सेकेंड हाफ था उसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरी सर्विसेज में ग्रोथ ज़्यादा थी। अब इसके अलावा कहा है कि वही फर्स्ट हाफ में इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी आई थी। कैसे आई थी, तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली बात तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो घट के 1.5% ऑफ जीडीपी हो गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। पोर्टफोलियो फ्लोज जो थे वो फिर से रिबाउंड कर गए थे। फॉरेक्स जो था उसमें हमारा और अक्रीशन हुआ था, तो इस वजह से एक्सटर्नल सेक्टर में स्टेबिलिटी आई थी। कौन कौन से पॉइंट्स बोले, कैट का बोला, करंट अकाउंट डेफिसिट, एफडीआई, पोर्टफोलियो फ्लोज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और इसके अलावा जो इंपोर्ट्स थे उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे हमारे, इम्पोर्ट्स घटे थे। ओके, और अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईयर एंड आते आते तक ये डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, तो अभी भी हम फर्स्ट हाफ की देखिए इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि अभी भी हमारे पास में जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं आगे के हाफ के, वो हमारे पास में ईयर एंड तक के पूरे नहीं है। ओके, इसके अलावा राइज इन सीपीआई कोर और डब्ल्यूपीआई था दिसंबर 1920 में, विच सजेस्ट बिल्डिंग ऑफ डिमांड प्रेशर। ओके, और जीडीपी ग्रोथ में ये कहा कि डिसेलरेशन देखा गया, जो कि स्लोइंग साइकिल ऑफ ग्रोथ से समझ में आ रहा है। अब ये साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है, कि जीडीपी ग्रोथ में डिसेलरेशन हुआ वो क्यों हुआ, ग्रोथ की स्लोइंग साइकिल की वजह से। ये साइकिल क्या चीज़ है, ये है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और कंजम्पशन की साइकिल। ओके, तो जब इन्वेस्टमेंट कम था तो ग्रोथ कम हुई, ग्रोथ कम हुई तो कंजम्पशन भी कम था, कंजम्पशन कम होने की वजह से फिर से इन्वेस्टमेंट घटा। ओके, तो इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ में भी डिसेलरेशन हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट सर्वे बता रहा है कि 2019-20 में क्या रिफॉर्म्स लिए गए इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है आईबीसी के अंदर, यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोर्ट के अंदर, उसको स्पीड अप किया गया। ईजिंग ऑफ क्रेडिट, खासकर जो स्ट्रेस्ड रियल एस्टेट और एनबीएफसी सेक्टर है वहाँ पे क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो, उसका रिफॉर्म किया गया। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस की थी 2019 से लेके 25 तक के लिए। ओके, ये रिफॉर्म्स लिए गए थे। और अब जो है सेकेंड हाफ में सर्वे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जीडीपी ग्रोथ में अपटिक रहेगा, और जो सीएसओ के पहले एडवांस एस्टिमेट है, अब देखिए कि जो सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं तो हम एडवांस एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो सीएसओ ने एडवांस एस्टिमेट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 5% जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है फिस्कल डेवलपमेंट्स के ऊपर।
रेवेन्यू रिसीट्स जो थी उनमें हायर ग्रोथ देखा गया था। और रेवेन्यू में भी देखिए दो तरीके के रेवेन्यूज आते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो खासकर जो ज़्यादा कंसिडरेबल ग्रोथ थी वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में थी। अब इसके आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो टैक्स पे तो आपको उसमें इजीली समझ में आएगा जो इनकम टैक्स वगैरह के थ्रू रेवेन्यू होता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के क्या एग्जाम्पल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप बताया है सर्वे ने कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे टैक्सेशन में ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो रिफॉर्म्स कौन कौन, देखिए वही है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि पिछले साल क्या क्या किया गया। वही चीज़ हमने देखी कि जो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन और इसकी ग्रोथ साइकिल की बात कर रहा था, जीडीपी की बात कर रहा था पिछले चैप्टर में, तो उसमें भी उसने लास्ट में बताया कि हमने रिफॉर्म्स क्या क्या लिए थे आईबीसी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू। अब ये इसमें भी फिस्कल डेवलपमेंट्स में भी बता रहे हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट चेंज किया गया था, जीएसटी को इजिली इंप्लीमेंट किया जाए उसके मेजर्स लिए गए थे, और जो स्टेट्स का फिजिकल डेफिसिट हो रहा था उसके लिए अलग से एफआरबीएम ने टारगेट सेट किए थे। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे टैक्सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर है। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा गया कि जो इंडिया की पोजीशन थी वो इम्प्रूव हुई, और सितंबर 2019 के लास्ट हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स देखे गए वो 433.7 बिलियन US डॉलर्स थे। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आप जो फिगर है इसको याद रखिएगा, 2019 सितंबर तक 433.7 बिलियन US डॉलर्स हमारे मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स थे, ये सर्वे ने कहा, इसलिए फिगर याद रखिएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैंने बताया कि ये नैरो हो गया था, तो 1.5% ऑफ जीडीपी पे आ गया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20। इसमें एक और बताया कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 461.2 बिलियन डॉलर थे एज ऑन 10 जनवरी 2020। तो आप ये दोनों फिगर्स याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में था। इसी में एक्सटर्नल सेक्टर में ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहा है, तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो उसका इसने मतलब एस्टिमेट लगाया है कि 2.9% तक का ग्रोथ है। और ये जो है अभी ये मतलब रिकवर होगा ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने कहा कि पिछले साल में वीकेंड हो गई थी, तो इस बार जब ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर कर रही है तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्रोथ रहेगी वो 2020 तक 2.9% रहेगी। और इसमें इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स बताए हैं वही हैं, दे कंटिन्यू टू बी यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया और हांगकांग। यही ऑर्डर इसको याद रखना है, टॉप 5 इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन थे? पहला यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया और हांगकांग। एक्सपोर्ट्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो जो टॉप एक्सपोर्ट के आइटम्स रहे हैं वो रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर प्रेशियस स्टोन्स, फिर ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स, फिर गोल्ड और दूसरे प्रेशियस मेटल्स। पेट्रोलियम, स्टोन्स, ड्रग्स और गोल्ड। और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रही थी वो थी यूएसए, फिर यूएई, चाइना और हांगकांग। हमने कहा ट्रेडिंग में हमारी इन्हीं कंट्रीज में थी, बस ऑर्डर चेंज है, तो ये ऑर्डर रखना कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यूएसए में हुआ है, फिर यूएई, फिर चाइना और फिर हांगकांग। अब सर्वे का ये कहना है कि जो रेशियो अगर देखा जाए एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी का, तो वो डिक्लाइन हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक्सपोर्ट हमारे डिक्लाइन होंगे तो बीओपी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ सर्वे कह रहा है। और फिर से वही वर्ल्ड के ऊपर ही वो आ रहा है कि वर्ल्ड आउटपुट में स्लो डाउन होने की वजह से ही हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हो गया था। अब इम्पोर्ट्स की यदि बात करें तो हमारे टॉप इम्पोर्ट के आइटम क्या क्या रहे हैं, तो वो फिर से पेट्रोलियम सबसे टॉप पे। तो ये चीज़ अब याद रखना कि एक्सपोर्ट में हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे टॉप पे था, इम्पोर्ट में भी हमारा क्रूड पेट्रोलियम टॉप पर है इम्पोर्ट आइटम। ठीक है, उसके बाद में गोल्ड, ठीक है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। तो यही ऑर्डर आपको याद रखना है। और इंडिया के इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से रहे हैं? चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई और सऊदी अरेबिया। तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूएसए में। और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी कौन सा है? यूएसए है। लेकिन इम्पोर्ट हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ से रहे हैं? चाइना से, और सेकंड पे यूएसए।
और जैसे हमने बोला कि एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ, वैसे हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो भी डिक्लाइन हुआ, लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो भी कम हुआ है और इम्पोर्ट टू जीडीपी रेशियो भी कम हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट कम होने का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पोर्ट कम होने का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब लार्ज क्रूड ऑयल इंपोर्ट इन द इंपोर्ट बास्केट कोरिलेट्स इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स विथ क्रूड प्राइसेस। तो जैसे मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ता है। ओके, और गोल्ड का भी यही है कि गोल्ड का मतलब अगर प्राइसेस वगैरह जैसे बढ़ते हैं तो गोल्ड के इम्पोर्ट्स भी उससे कोरिलेट करते हैं, वो भी ज़्यादा रहते हैं। ओके, और नॉन पीओएल यानी पीओएल इज फॉर पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट, नॉन पीओएल नॉन गोल्ड इंपोर्ट जो है दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो अगर नॉन पीओएल नॉन गोल्ड इंपोर्ट होते हैं तो अगर वो ज़्यादा होते हैं तो जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगी, दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ओके, और कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ एक्चुअली में ज़्यादा रही है और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और इन्वेस्टमेंट रेट वही, अब देखो फिर से उसी साइकिल की बात कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइन हुआ जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हुई, कंजम्पशन वीकेन हुआ, फिर उसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट आउटलुक और कम हुआ, और फिर से उसकी वजह से विच फर्दर रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो ये पूरी साइकिल की ही बात कर रहा है, ग्रोथ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की। अब अगर ट्रेड फैसिलिटेशन में देखा जाए, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ऊपर हमने बताया थे कि कहाँ कहाँ पे हम वीक चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कहाँ पे हमारा रैंकिंग अच्छी थी, तो वो अच्छी थी हमारी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में, ट्रेड फैसिलिटेशन में हमारी इस चीज़ में रैंकिंग अच्छी थी। तो हमारी रैंकिंग 2019 में 68 थी इसमें, एंड इट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 143। तो जो ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर हुआ है इट हैज़ इम्प्रूव्ड। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो वर्ल्ड बैंक का ये इंडेक्स होता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, तो इंडिया में उसकी रैंक जो थी 2018 में लास्ट वो 44th रैंक थी, तो ये भी इम्प्रूव हुई है। 2014 में 54th रैंक थी और 2018 में लास्ट इसकी इंडिया की क्या रैंक बैठी है, 44th रैंक बैठी है। ओके, और एक्सटर्नल डेट जो है वो कमी था, 20.1% था इसमें सितंबर 2019 में लास्ट। और इंडिया की एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज़ है वो भी मतलब अभी इंक्रीज हुई है। ओके, लायबिलिटी टू जीडीपी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है, और वो किस वजह से इंक्रीज हुआ है, FDI और पोर्टफोलियो फ्लोज ज़्यादा बढ़े, ECBs बढ़े। तो ऑब्वियस ही बात है, हम बाहर से अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो हमारी डेट इक्विटी ये सब जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, तो लायबिलिटीज़ जो है वो हमारी 2019 जून के बाद से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि FDI पोर्टफोलियो और ECBs बढ़े हैं। ओके, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। वैसे अगर एक्सटर्नल डेट देखा जाए 2019 सितंबर तक, तो कमी था 20.1% ऑफ जीडीपी था एक्सटर्नल डेट। ओके, ये पूरा सर्वे कह रहा है, फाइन। अब आते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो 4 कंसेक्यूटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी उसमें रेपो रेट 110% तक कट किया गया था, और वो किस लिए किया गया था, स्लोअर ग्रोथ और लोअर इन्फ्लेशन की वजह से। तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आए, ग्रोथ बढ़े, तो रेपो रेट कम कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बैंक्स भी उस चीज़ को फॉलो करने का, तो MPC का पर्पस यही होता है कि इन्फ्लेशन वगैरह को टारगेट करना। तो अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इन्वेस्टमेंट का माहौल बनेगा, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, जो कंपनीज हैं, वो ज़्यादा बोरो करेंगी कम रेट्स पे, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो फिर से वही बात है, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से रेपो रेट को कम किया गया था। और इनिशियली लिक्विडिटी कंडीशंस जो थी इस साल में, वो इनिशियली 2 मंथ्स में टाइट रखी गई थी, लेकिन बाद में कंफर्टेबल कर दिया गया था। अगर GNPA की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो, तो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के तो अनचेंज्ड ही रहे थे 9.3%, लेकिन NBFCs, देखो अब हमने कहा था कि लिक्विडिटी क्रंच पड़ गया था और इसकी वजह से हमने रोल ओवर रिस्क की भी बात करी थी, ठीक है। तो वो इस वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस थे NBFC के वो बढ़ गए थे। ओके,
स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के सेम रहे थे, एनबीएफसीज के बढ़ गए थे। क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो फाइनेंशियल फ्लोज टू द इकोनॉमी रिमेन कंस्ट्रेंड। ओके, तो क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो थी वो डिक्लाइन हुई थी दोनों बैंक और एनबीएफसीज के लिए। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो था एससीबी का, इट इंक्रीज फ्रॉम 14.3% टू 15.1% इंक्रीज हुआ था। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई रिस्क आती है बैंक पे, तो उनको पर्टिकुलर एक रेशियो ऑफ कैपिटल अपना रखना पड़ता है, ताकि कोई अगर रिस्क होती है तो उस केस में उसको कॉम्बैट करने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, तो ये उनको मेंटेन करना होता है। तो अभी सीआरएआर जो है वो हमारा एससीबी का 14.3% से बढ़ के 15.1 हुआ था। तो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की अब बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन ट्रेंड यदि देखें तो इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेशन में ही चल रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 3.7% से बढ़ के 4.1% हो गया था 2019-20 में। और WPI इन्फ्लेशन जो था वो कम हो गया था टू 1.5%। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI, आई होप आप समझते होंगे, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर प्राइस जो होता है वो रिटेल प्राइसेस का होता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो जो सेलर होलसेल पे बल्क गुड्स जो बेचता है उसके ऊपर उनके प्राइसेस का होता है। ठीक है, और दोनों का बास्केट ऑफ गुड्स अलग होता है। WPI में केवल गुड्स होते हैं, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। और WPI जो है वो आप उसका बेस ईयर है आपका 2011-12। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर पे होता है 11-12। और जो सीपीआई का बेस ईयर है वो 2012 है, ये कैलेंडर ईयर पे होता है। और WPI WPI का याद रखना कि ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रिलीज करते हैं, और फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और सीपीआई जो है वो सीएसओ, ठीक है, सी से कंज्यूमर और सीएसओ याद रखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज करती है सीपीआई, और WI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। ओके, तो ये डिफरेंसेस मेन आप याद रखिएगा। अब इसमें बताया कि ड्राइवर्स ऑफ सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन के क्या थे। ठीक है, तो 2019-20 में देखा गया कि ये जो सीपीआई कंबाइंड जो इन्फ्लेशन हुआ था, हमने कहा कि ये बढ़ गया था इन्फ्लेशन, राइट, सीपीआई बढ़ गया था 4.1% और WPI कम हो के 1.5%। ये फिगर्स याद रखना आप लोग। ओके, तो ये इसके मेन ड्राइवर्स क्या थे इस इन्फ्लेशन के। तो पहला तो था ये, मतलब मेन जो था वो था फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस में भी खासकर वेजिटेबल्स और पल्सेस, ठीक है, सब्जियों और दालों में खासकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था ड्यू टू लो बेस इफेक्ट और प्रोडक्शन साइड डिसरप्शंस। तो उसमें बोला है कि जो अनटाइमली रेनफॉल हुई थी लास्ट ईयर, उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा था सब्जियों और दालों में। ठीक है, अब एक कॉबवेब फिनोमेना की बात की है, यानी कॉबवेब किसको बोलते हैं, जो मकड़े का जाल होता है, उस फिनोमेना की बात की है फॉर पल्सेस। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो फार्मर्स जो बोते हैं, जो सो करते हैं, उनका वो डिसीजन कि उनको दाल करनी है कि नहीं करनी है, तो वो बेस्ड होता है ऑन द प्रीवियस मार्केटिंग पीरियड। तो जो पिछला प्राइसेस रहे होते हैं पिछले पिछले साल के, वो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको उनको सेफगार्ड करने के लिए सर्वे बोलता है कि हमको पीएसएफ के अंडर जो प्रोक्योरमेंट होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सारे मेजर्स को हमको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। ओके, ताकि उनको एक ये कंफर्ट रहे कि मतलब उनके पास में एक अश्योरेंस रहे। ओके, फिर डाइवर्जेंस की बात कर रहा है रिटेल और होलसेल प्राइस में। तो जो रिटेल और होलसेल प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे फॉर अनियन एंड टोमेटो। और ये कह रहे हैं कि दिस मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इनकी है ना जो रीजंस दिए हुए हैं वो भी याद रखना, कि पल्सेस का जैसे इन्फ्लेशन की बात कर रहा है तो इसका रीज़न ये है कि वो पिछले पीरियड पे डिपेंड करता है। अब डाइवर्जेंस की बात कर रहा है कि अनियन और टोमेटो में रिटेल और होलसेल में डाइवर्जेंस क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इंटरमीडियरी
इंक्रीज और हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से ये डाइवर्जेंस आ जाता है, ठीक है। फिर अब वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस की बात कर रहा है, मतलब जो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो फॉर मोस्ट ऑफ द एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ द पल्सेस हैज़ एक्चुअली कम डाउन। तो अब सर्वे ये कह रहा है कि पिछले जो 5 साल हैं 2014 से 2019, देखो फिर से ये गवर्नमेंट के पीरियड की बात कर रहा है, उस दौरान वोलेटिलिटी जो है सर्वे के अकॉर्डिंग कम हो गई है। पहले जो एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ थी वो उनके प्राइसेस ज़्यादा वोलेटाइल होते थे, और इसका रीज़न अब ये क्या बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेटर मार्केटिंग चैनल, स्टोरेज फैसिलिटीज और इफेक्टिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, ठीक है। तो ये रीजंस भी याद रखिएगा। अब रीजनल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, तो जो CPIC इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहा है स्टेट्स के अक्रॉस, ठीक है। उसमें भी ये देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो कम थी एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, और वेरिएशन लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ये रूरल रीजनल वेरिएशन भी याद रखना। अगला जो चैप्टर है वो है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया कई सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो जैसे SDG इंडिया का खुद का जो इंडेक्स है वो उसमें फ्रंट रनर्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और चंडीगढ़, और जो एस्पिरेंट्स हैं इसमें वो हैं आसाम, बिहार और यूपी, ओके। तो याद रखना फ्रंट रनर कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और चंडीगढ़। इसके अलावा COP 14 होस्ट किया था इंडिया ने ऑफ UNCCD यानी UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ओके। और फिर COP 25 हुआ था UNFCCC का मैड्रिड में, तो इंडिया ने वहाँ पे अपने कमिटमेंट को फिर से रिट्रेट किया था टू इम्प्लीमेंट पेरिस अग्रीमेंट, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन वगैरह की बात हुई थी, तो इसमें भी कुछ वो नहीं है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, अभी हमारा 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, विच इज़ 24.56% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिलेटेड है इसलिए इसे ग्रीन करा हुआ है और ग्रीन कर दिया मैंने। तो अब आप ये याद रखना, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 24.56% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ओके। ये फिगर जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछ सकता है। एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज की बर्निंग एक वो है ही, प्रॉब्लम है, एक मेजर कंसर्न है, और कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको घटाने के लिए, ओके। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमारा रोल सब रहा है, हम इनेबलर भी रहे हैं, हम फेलोशिप्स इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, फैसिलिटेटर भी रहे हैं, क्रेडिट भी दिला रहे हैं, इनक्यूबेटर भी रहे हैं, हम ऐसे इनिशिएटिव जो कि सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव है उनको नर्चर कर रहे हैं। फिर एक्सेलरेटर भी हैं कि जो वाटर पम्प्स और सोलर वाटर पम्प्स उनके ऐसे टूल्स की डिमांड को बढ़ा डेवलप कर रहे हैं, ओके। तो हमारा रोल ISA से रिलेटेड हर चीज़ में रहा है, इनेबलर, फैसिलिटेटर, इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, ये वर्ड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपको पता है कि जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है इंडियन पॉपुलेशन का वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो एग्रीकल्चर का अब शेयर है टोटल GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि जो दूसरे नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो GVA अभी बेसिक प्राइसेस पे रहा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का, वो इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 2.8%, ओके। इसमें एक बात कही गई है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होने का एक रीज़न हमारे यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन भी है एग्रीकल्चर में, है ना। तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि मैनुअल लेबर वगैरह ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू, मतलब हमारे यहाँ पे केवल 40% मैकेनाइज्ड है एग्रीकल्चर, और जबकि ये देखा जाए चाइना में तो वहाँ पे करीब 60% 59.5% और ब्राज़ील में भी 75% है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा रीज़न है स्क्यूड पैटर्न ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो फिर से अब इसमें ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात की गई है कि वहाँ पे जो क्रेडिट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो बहुत कम है, ओके। तो इसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हुआ है सेक्टर। अच्छा, लाइफ स्टॉक इनकम की बात की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया है रूरल फैमिलीज़ के लिए, और जो कि खासकर हेल्प करेगा इन अचीविंग द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम जो
2022 तक हमको अचीव करना है, फार्मर्स इनकम को डबल करने का टारगेट है, उसमें लाइफ स्टॉक इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो अभी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। इसके अलावा बात हुई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेक्टर की, वो भी ग्रो कर रहा है। ओके और अब सर्वे ने एम्फेसाइज किया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, और वो कैसे बनी रहनी चाहिए, तो सर्वे ने कहा है कि जो फूड सब्सिडी बिल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी जो रेट्स वगैरह हैं उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। ओके तो ताकि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको भी बचाया जा सके। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं तो अगर IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें इंडस्ट्री सेक्टर अगर देखें तो 0.6% ही केवल बढ़ा था, जबकि 2018-19 में 5% की ग्रोथ थी, इस बार केवल 0.6% की थी। फर्टिलाइजर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ थी, 4% की ग्रोथ थी, और स्टील सेक्टर में भी सही था, 5.2% की थी। तो याद रखना फर्टिलाइजर सेक्टर और स्टील सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर एज ओवरऑल अगर देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कम, मतलब ग्रोथ थी लेकिन कम थी, 0.6% ही थी केवल। ओके और इसके अलावा फोन टेलीफोन कनेक्शंस भी बढ़े हैं और पावर जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ी है। ओके सर्विस सेक्टर पे यदि आए तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ है इकोनॉमी का, GVA ग्रोथ का, वो सर्विसेज का ही है, 55% है। जो FDI इनफ्लोज भी होते हैं वो सबसे ज़्यादा, 2/3 ऑफ दी FDI इनफ्लोज जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर में होते हैं, और एक्सपोर्ट भी जो होते हैं वो 38% हमारे सर्विस सेक्टर में होते हैं। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ थी सर्विस सेक्टर की वो मॉडरेट हो गई थी, यानी थोड़ी सी कम हो गई थी जो GVA ग्रोथ थी, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिकेटर्स जैसे कि एयर पैसेंजर ट्रैफिक, पोर्ट और शिपिंग फ्रेट ट्रैफिक और बैंक क्रेडिट की वजह से सर्विस सेक्टर की GVA ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो गई थी। याद रखना ये ट्रैफिक वगैरह की वजह से कम हो गई थी इनके अकॉर्डिंग और बैंक क्रेडिट के। लास्ट चैप्टर जो है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है स्टेट्स और सेंटर का जो है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP सोशल सर्विसेज पे, वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है, 7.7% रहा था। और सोशल सर्विसेज कौन सी, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा था। और इंडिया की रैंकिंग भी जो है वो 129 इम्प्रूव हो गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो एक रैंक का अंतर आया है, 2017 में 130 थी, 2018 में 129 थी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी जो है वो अभी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। देखो इसमें लिखा है नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, ये कीवर्ड्स हैं, इनको पकड़ना ज़रूरी है। जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल है वहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। और जो रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका शेयर भी 5% पॉइंट्स बढ़ा है, यानी 2017-18 का, ये थोड़ा और ज़्यादा पुराना दे दिया, 23% जो है अभी इनका शेयर बढ़ गया है। तो वही है कि जो लास्ट एस्टिमेटेड होता है वो बताते हैं। और अगर देखें जॉब्स वगैरह का तो 2.62 करोड़ नई जॉब्स बनी हैं, और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी जो है उसका शेयर भी बढ़ा है, 9.98% हुआ है। जेंडर डिस्पेरिटी जो है वो इंडिया के लेबर मार्केट में वाइडन हुई है ड्यू टू डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, खासकर रूरल एरियाज में। ये याद रखना कि रूरल एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया है, जिसकी वजह से जेंडर डिस्पेरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है लेबर मार्केट में। तो इसमें ये पॉइंट देखो दिया हुआ है कि जो प्रोडक्टिव एज होती है, किसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एज, जो हमारी 15 से 59 की ईयर्स की एज ग्रुप में होती है, उसमें 60% लोग जो हैं वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक ड्यूटीज़, यानी फीमेल्स जो हैं वो पूरा घर गृहस्थी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं, 60% आप समझ रहे हैं, तो प्रोडक्टिव एज जो है वो उसी में ही जा रही है। और एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज जो है वो अब बस इम्प्रूव हुआ है, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष की इन्होंने तारीफ करी है। और 76.7% हाउसहोल्ड्स इन रूरल और 96% अर्बन हाउसेज जो हैं वो अब पक्का स्ट्रक्चर के हैं। और इसके अलावा 10 ईयर की रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी 2019 से 2029 तक की लॉन्च की गई है,
to focus on sustaining the sanitation behavior change and increasing access to solid and liquid waste management. तो वही है स्वच्छ भारत को ही लेके इन्होंने मतलब वो सस्टेन रहे उसके लिए रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटेजी बनाई है 10 साल की 19 से लेके 29 तक की और ताकि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी रहे. तो दैट वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे जस्ट. आई होप आपको जस्ट अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.